students, good morning to all of you. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject OC of standard 12. Chapter number 6, directing. Today's question is measures to overcome the barriers of communication. आज का हमारा क्वेश्चन है कि जो कम्युनिकेशन में बैरियर्स जो देखने को मिलता है उसे हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, जिसके टोटल 11 पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, जो पेज नंबर 72 पर दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी अरेंज्ड एज पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इट शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द इंफॉर्मेशन। जो आप कम्युनिकेशन सिस्टम जो अरेंज करते हो वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उस कम्युनिकेशन सिस्टम को सेट करो, इससे क्या होगा, पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी किसकी, जो ऑब्स्ट्रक्ट जो देखने को मिलता है इन कम्युनिकेशन में वो रिमूव हो जाएगा। सेकंड पॉइंट इज इंफॉर्मेशन गिवन बाय सेंडर शुड बी प्रीसाइज। जो सेंडर इंफॉर्मेशन भेजता है वो इंफॉर्मेशन प्रीसाइज होनी चाहिए, प्रॉपर एंड एकदम जो है सही तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सो द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। इससे क्या होगा, सामने वाला पर्सन इजीली उस इंफॉर्मेशन को समझ सकता है। थर्ड पॉइंट इज वेरियस मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव डिफरेंट इफेक्ट्स। जो आप कम्युनिकेशन करते हो तब जितने भी आप मीडियम्स यूज करते हो वो सारे के सारे मीडियम्स कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। Therefore, in the appropriate method of communication should be selected. इसके लिए आपको appropriate method जो है वो select करना जरूरी है। जब आप communication करते हो तब आपकी method appropriate and proper सही method होनी चाहिए। Fourth point is communication is a two-way process. Communication क्या है, two-way process है। एक person communication करता है दूसरे person को। It should be arranged in a manner as the information must flow in the both the direction easily. Information का flow दोनों ही side जो है easily आगे बढ़ सके, ऐसी आपके जो है system होनी चाहिए, उस तरीके का arrangement होना चाहिए। Fifth point is feeling of mutual trust and cooperation is must between two parties. दोनों ही parties के बीच में mutual trust and cooperation दोनों ही होना जरूरी है। Sixth point is communication channel should be shorter as much as possible. Communication के channel short में होनी चाहिए, shorter होनी चाहिए अगर possible हो तो, so that the flow of information will not stop and there will be no delay in communication. इससे क्या होगा, जो communication का flow है वो stop नहीं होगा और जो कम्युनिकेशन में डिले हो रहा है वो डिले भी आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सेवन पॉइंट में दिया है कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी फास्ट। कम्युनिकेशन के सिस्टम फास्ट होनी चाहिए। एट पॉइंट इज कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी गोल ओरिएंटेड। कम्युनिकेशन की सिस्टम आपके कंपनी के गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। नाइन्थ पॉइंट इज ब्रॉडकास्टिंग ऑफ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इंक्रीज द बर्डन ऑफ कम्युनिकेशन। जो इंफॉर्मेशन का ब्रॉडकास्टिंग करते हो, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसका ब्रॉडकास्टिंग करोगे तो बर्डन जो है वो कम्युनिकेशन में बढ़ जाएगा। सो द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी प्रॉपर। जब आप इंफॉर्मेशन का ब्रॉडकास्टिंग करते हो तो वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। आगे दिया गया है 10th पॉइंट, टाइम टू टाइम इवेल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी डन। कम्युनिकेशन सिस्टम आपका टाइम टू टाइम जो है वो प्रॉपर जो है वो हो जाना चाहिए। सो एज पर द चेंजिंग सिचुएशन चेंजेस कैन बी मेड। इसे क्या होगा, चेंजिंग सिचुएशन में आप चेंजेस कर सकते हो। 11th पॉइंट इज ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सेंडर शुड नॉट हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट। इफ जब आप कम्युनिकेशन करते हो तब सेंडर का कोई उसमें पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैसेज सेंडर हाइड फ्यू मैसेजेस और एंड पर्पोजफुली गिव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इज एसेंट्रिकली।
यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि सेंडर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाता है या जानबूझ करके इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसने जो कम्युनिकेशन किया है वो उसका फ्रॉड कम्युनिकेशन काउंट किया जाता है। तो ऐसा कम्युनिकेशन हमारा होना चाहिए नहीं। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 6 का आज जो है एंड होता है, चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, और उससे पहले आप सबको मैं होमवर्क देना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस जो है मेरे कंप्लीट हो रहे हैं या तो कि जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, उस चैप्टर के जो मोस्ट टाइम पे बोर्ड के जो पूछे गए क्वेश्चन है वो आप सबको नोटबुक में लिखने हैं, और बोर्ड में कौन से पूछे गए वो आपको बोर्ड के पेपर में से मिल जाएंगे, ओल्ड पेपर में से मिल जाएंगे। तो एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोटबुक में लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।